हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी का रेडमी नोट 11 डिवाइस है या फिर दोस्तों अगर आप रेडमी नोट 11 डिवाइस को परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी रेडमी नोट 11 के कुछ गेमिंग फीचर्स के बारे में एंड करने वाले पबजी टेस्ट या फिर आप कह सकते हैं BGMI टेस्ट, क्या आपको ये फोन गेमिंग के लिए लेना सही है कि नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको MIUI 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, सो गेम टर्बो 4.0 भी मिल जाता है, तो गेमिंग के लिए देखेंगे काफी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को इनेबल कीजिए। तो दोस्तों, रेडमी नोट 11 जो कि रेडमी नोट 10 का सक्सेसर है, एंड इस बार रेडमी नोट 11 में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों गेमिंग फीचर्स को जानने के लिए हम जाएंगे स्पेशल फीचर्स में एंड गेम टर्बो को ओपन करेंगे। तो इस फोन में आपको MIUI 13 मिल जाता है, तो आपको लेटेस्ट गेम टर्बो 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए गेम टर्बो ओपन हो चुका है, एंड सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि आपको गेमिंग के लिए कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। तो बूस्टर सेटिंग में जाने के बाद जो जनरल सेटिंग मिल जाता है, बाकी जो अदर फोन्स में मिल जाता है सेम टू सेम आपको वही सेटिंग्स मिल जाते हैं, जो कि आपको परफॉर्मेंस मोड है, उसके बाद ओरिएंटेशन है, गेम आपको D&D मोड मिल जाता है, एनहांस एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद अगर आप किसी भी गेम को यहाँ पे देखेंगे एडिशनल सेटिंग में चेंज करेंगे तो टच रिस्पॉन्स अगर आपको इंक्रीज करना है तो टच रिस्पॉन्स इंक्रीज कर सकते हैं, सेंसिटिविटी है। उसके बाद अगर आपको जो ट्रिगर रहता है जिसमें आप देखेंगे स्मॉल मीडियम लार्ज, बस यही आपको फीचर्स मिल जाता है, कोई भी आपको ग्राफिक विजुअलाइजेशन का फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक गेम को लॉन्च करेंगे, जैसे कि मैंने BGMI को लॉन्च किया है। सो 90Hz आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि स्क्रीन पर आप 90Hz रिफ्रेश रेट देख सकते हैं। एंड दोस्तों इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट मिल जाता है, एंड ये जो फोन है आपको सिर्फ 30fps तक सपोर्ट करता है, 30fps के आगे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों और भी कुछ पॉजिटिव चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस फोन में देखेंगे गेम टर्बो लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, तो आपको इस टाइप का लेटेस्ट UI देखने को मिल जाएगा, एंड साइड में देखेंगे आपको मल्टीपल एप्लीकेशन देखेंगे, अगर आपको फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है सो मल्टीपल एप्लीकेशन भी देखेंगे, इसमें आराम से फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे गेमिंग के लिए, आपको यहाँ पे टाइमर्स है, वॉइस चेंजर है, ऊपर के साइड में देखेंगे आपको परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है, लव यहाँ पर CPU GPU एंड FPS भी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 29-27 यहाँ पे चल रहा है। एंड दोस्तों परफॉर्मेंस मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो परफॉर्मेंस मोड के ऊपर आपको दो मोड मिल जाते हैं, जैसे कि बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड है। परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी बट आपकी बैटरी यहाँ पे ड्रेन हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको बैलेंस मोड में खेलना है तो बैलेंस मोड को इनेबल करके आप गेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इसमें वॉइस चेंजर चाहिए तो इसमें आपको वॉइस चेंजर का भी फीचर मिल जाता है, एंड इसमें देखेंगे मल्टीपल आपको वॉइस चेंजर के लिए इफेक्ट भी मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में बात करेंगे, तो इस फोन में आपको स्मूथ एंड बैलेंस गेमिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो ग्राफिक सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्मूथ में लो एंड मीडियम तक गेमिंग कर सकते हैं, एंड बैलेंस में आने के बाद बस मीडियम में गेमिंग कर सकते हैं, कोई भी आपको HD का सपोर्ट इसमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इस फोन में आपको 30fps तक ही सपोर्ट मिल जाएगा। एवं दोस्तों अगर हम जाएंगे ऑडियो में, तो ऑडियो में भी देखेंगे आपको हाई ग्राफिक्स तक यहाँ पे ऑडियो मिल जाता है, कोई भी आपको अल्ट्रा ऑडियो ग्राफिक्स का सपोर्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों ग्राफिक्स सेटिंग्स एंड गेमिंग फीचर्स तो हो गए, अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे पबजी टेस्ट या फिर गेमिंग टेस्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों गेम टेस्ट के बारे में बात करेंगे, तो जो बूट कैंप पे देखेंगे मेरा जो गेम का FPS था यहाँ पे देखेंगे 24-25 था, कभी भी मेरा 25 के ऊपर नहीं चला है, क्योंकि दोस्तों 30fps का सपोर्ट है तो एटलीस्ट मुझे लगा था कि 27-28 तो मिलना चाहिए, बट एवरेज देखेंगे 25-24 या फिर 23 यहाँ पे बूट कैंप पे था। एंड इसके बाद दोस्तों गेमिंग करते वक्त भी मुझे 24-25 का FPS देखने को मिला था, एंड कभी कभार यहाँ पे देखेंगे मुश्किल से 27-28 तक FPS आपको दे देगा, बट दोस्तों अगर आप यहाँ पे आधा घंटा एक घंटे के ऊपर गेमिंग करोगे तो यहाँ पे आपको 25 से ऊपर बिल्कुल भी FPS मिलेगा नहीं। एंड फ्रेम ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, तो ज़्यादा शुरुआती में कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स आपको नहीं मिलेंगे, बट थोड़ा सा फ़ोन यहाँ पे हीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी दोस्तों हायर गेमर्स के लिए ये फोन नहीं है, बट आपको बेसिक एंड एवरेज गेमिंग करना है तो आप बेसिक एवरेज गेमिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस फोन में जो गायरो मिल जाता है वो भी आपको काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस देगा,
कोई भी लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स आपके यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो इस फोन का जो गायर है वो काफी बेस्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बस इसी रेडमी नोट 11 के गेमिंग फीचर्स एंड छोटा सा यहाँ पर पबजी टेस्ट का यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।